मैं यहाँ बागेश्वर धाम के दर्शन करने आया था। मेरे औरत गिर गई थी अंदर, उसको उठा के ला लेके आ रहा बाहर तक, बाहर के लाते लाते ही मैं बेहोश हो गया। स्कूल से आते टाइम इसका एक्सीडेंट हो गया था, बेटा है मेरा। अच्छा, लेके आए थे सुनो, लेकिन बहुत भीड़ है। कितने साल का था ये? 17 साल के था तो एक्सीडेंट हुआ था। छत्तीस डिग्री के तापमान और उमस में लोग खास तौर पर दिव्य दरबार के लिए आए, जिसके लिए दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों की भीड़ में से किसी का भी नाम पुकार कर उसकी समस्या और समाधान का तरीका बता देते हैं। चाचा कहाँ है आपके? अरे भैया रुके रुके रुके, चाचा कहाँ है आपके? चाचा मेरे भीतर है, अंदर है। मैं जादूपुर में रहता हूँ। हाँ। मैं यहाँ बागेश्वर धाम के दर्शन करने आया था। हाँ, हाँ। यहाँ पे ये पोजीशन हुई है कि यहाँ पे कम से कम 40% लोग बेहाल हो गए थे। हाँ। मतलब दम घुट रहा था, कोई सुनने वाला नहीं। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, प्यास के मारे बेहोश हो रहे हैं, उनको उठा उठा के बाहर लेके आ रहे हैं, और वो लोग वहाँ पे कूलर मतलब उसको मूव नहीं कर रहे। पुलिस वालों के तो ऐसे डंडे बजाने, ऐसे चाटा मारने का मन करता था ना, जो क्या बात है। सेवादार किस लिए होता है? पब्लिक का हेल्प करने के लिए, कोई मतलब ही नहीं है। ये 3 दिन से हूँ बिना पंखे के बैठी हूँ, जो कूलर के आगे हूँ बैठी हुई है। इधर पंडाल पूरा खाली है, लेकिन आप मर जाओगे, इधर घुसने नहीं देंगे। वीआईपी वाला जो है वो खाली पड़ा है। हाँ बिल्कुल खाली है, आप आधा से ज्यादा जनता बैठ जाएंगे। अगर मानिए आपकी मार हो तो आपको तो बैठने दिया जा सकते नहीं। बनाओ, बिगाड़ो मत ना। भीड़ है बहुत ज्यादा, वहाँ कम गर्मी बहुत है, तो इसलिए बाहर आना पड़ा, जी घबरा रहा था।